सीरियस न्यूज सच का साथी रैली का आयोजन किया गया है, किस मुद्दे पर किया गया है? मैं पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष पी एल प्रजापति अधिकार की लड़ाई के लिए इसमें पूरे यूपी के लोगों यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए है। प्रदेश सरकार अपने प्रदेश सरकार द्वारा आज भर कैबिनेट मंत्री भी हैं, तो क्या समाज को कोई लाभ नहीं मिल पाया? समाज का लाभ मिलता तो इतनी बड़ी रैली करने की जरूरत तो नहीं होती, मिलना चाहिए जितने भी सरकार समाज के लिए कुछ नहीं कर पा कैबिनेट मंत्री होते हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक करेंगे नहीं तब तक हमारे अधिकार जब मिलेगा तो अधिकार रहेंगे। जब तक काम नहीं देगा हम उसके साथ। भागीदारी आंदोलन से और हम लोगों की लड़ाई देखिए, सीधी सी बात है कि हमें हक और अधिकार की है। हम चाहते हैं कि हमारा जो शोषित समाज है, जैसे आज की जो सरकार है हम लोगों की कहीं भी नहीं सुन रही है। जैसे अगर हमारा समाज हमारे दलित भाई हमारे पिछड़े भाई अगर कहीं कोई मैटर होता है थाने में जाते हैं तो उनका एक भी नहीं सुना जाता है कि भाई आप उधर तक नहीं होता, जो 5,000 रुपये देते ना उसका 1,000 रुपये करवा दे रहे हैं। और हमारा मेन मकसद देखिए ये कही है कि हमारा जो परसेंटेज है उसको हमारा बंटवारा करना है। जैसे अतिदलित महादलित और दलित समाज है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करें, जो पिछड़ा समाज है उसको 3 कैटेगरी में करें, पिछड़ा अधिक पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइडेशन करने के लिए हम लोगों ने इतनी बड़ी मुहिम खड़ी की है। जो भागीदारी हमारा मेन उद्देश्य है वो हमारा यही है। भारी संख्या में रैली का आयोजन किया गया है और आपके सहयोगी पार्टी का 16वां स्थापना दिवस भी है, जिस मुद्दे पर आज भर से क्या कोई मांग करेंगे? सोहेल जो भारतीय समाज पार्टी का हमारा जो संगठन है यह एक विंग है। हमारा मंत्री जी के साथ हमारा जो संगठन है हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि हमारे अपने हक और अधिकार की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जो हमारा 2019 चुनाव है हम चाहते हैं कि जो हमारा बैकवर्ड कास्ट है, जो हमारा दलित पिछड़ा समाज है, कि हमारे किसी भी चाहे वो राजनीतिक या फिर पॉलिटिकल मैटर हो या फिर सरकारी गवर्नमेंट सर्विस, हमारा जो हक है वो हमारा परसेंटेज अलग कर दें और उसमें जो 2019 का चुनाव है जो हमारा हिस्सा बनता है, जो हमारी सीटें बनती है, अगर वो हमको नहीं देते हैं तो वो आज हम डिसीजन ले लेंगे इस मंच से कि हमें आगे क्या करना है, इनके साथ रहना है कि नहीं रहना है। बीजेपी के साथ फिर भी कैबिनेट मंत्री, देखिए कहने को तो कैबिनेट मंत्री हैं ये, लेकिन गवर्नमेंट इनकी सुन कहाँ रही है? किसी भी बात क्या इसका 2019 में आप जवाब देंगे? 2019 में अभी माननीय मंत्री जी के द्वारा आपको जवाब मिल जाएगा कि ये हमारे ये सरकार में बने रहेंगे कि नहीं बने रहेंगे, ये अभी डिसाइड हो जाएगा। और देवी रूपी माताएं बहने आई हुई हैं उनको भी मैं अपने तहत मंच पर जो मौका मिला उसको भी मैं अपने तहत दिल से धन्यवाद देते हुए आज भारतीय समाज पार्टी के स्थापना दिवस आज इस रमाबाई मैदान में मनाया जा रहा है। इस 16वें स्थापना दिवस मनाने का एक मुख्य उद्देश्य है कि आज